एक शब्द है कन्यादान, और आज समाज में इसको लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं। एक वर्ग इतना ज्यादा शिक्षित हो गया कि वो कहता है हम क्या दान के लिए हैं। वर्ड शब्द शब्द की अपनी महिमा है, लेकिन मैं क्षमा कहते हुए चाहूंगा कि नहीं जी, बिल्कुल आप दान के लिए नहीं है, और कोई आपका दान हो भी नहीं रहा। कन्या के रूप में आपके गोत्र का दान हो रहा है। जब विवाह पढ़ा जाता है तो आपके गोत्र का, जो पिताजी का गोत्र, उसका दान होता है, पिति कन्या दान। लेकिन वो कहने की भाषा में है दूसरी चीज। अब मैं दूसरे अगर अर्थ में चलूं तो प्रत्येक कन्या या प्रत्येक जो भी पुरुष है, जो भी लड़का है, एक दिन विवाह होना है, और एक कन्या को उस घर में जाना है। और हम सब बहुत मानस से इस बात को जानते हैं कि बेटी पराई है, उसको तो एक दिन जाना ही है, और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमारे मानस में बैठा हुआ है, हम सब जानते हैं। और सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया का सिस्टम है, आपका और हमारा सिस्टम नहीं है, पूरी दुनिया का यही सिस्टम है, कोई नया सिस्टम नहीं है। और इस पूरी दुनिया की व्यवस्था को चलाने का भी सिस्टम यही है। और तब वो दंपत्ति, युगल दंपत्ति, एक नए घर का निर्माण करते हैं, नई संस्कृति का निर्माण करते हैं, नया कुटुंब निर्माण करते हैं, इस सृष्टि को, इस प्रकृति को नए बच्चे देते हैं, नए लोग देते हैं, नए मानव देते हैं, ताकि इस संसार को चलाने के लिए वे आगे आए। और इसका पूरा सुंदर दर्शन है। तो ऐसे में जब हिमालय राज अपनी बेटी को गोद में बिठाए हैं और अपने हाथों से हल्दी से जब उनके हाथ पीले कर रहे हैं और हाथ में हल्दी की बाटी लेकर जब वो भगवान शंकर के हाथ में देते हैं तो हिमालय राज का कलेजा दहल जाता है जैसे, और किसका नहीं दहलता। इतना आसान नहीं है ये कर पाना, ये बहुत कठिन है साहब। जिन्होंने अपनी बेटियों की विदाएं की हैं वो जानते हैं इस बात को, ये सामान्य घटना नहीं है, असामान्य घटना है जो होती है, जो घटती है। कितना भी कठोर से कठोर पिता हो, लेकिन जब वो कन्या दान करता है तो उसकी आंखों से भी पानी गिरता है। जब वो अपनी बेटी को विदा करता है तो उसकी आंखों से भी पानी गिरता है। जिसने कभी जिंदगी में अपने बच्चों के आगे आंसू ना निकाले हो, उस पिता के भी उस दिन आंसू आते हैं, उस पिता के भी। जिस पिता ने जब तक बच्चे और बच्ची उसके साथ रही, कभी अपनी बिटिया के आंखों के आंसू को ना आने दिया हो, हमेशा पहुंचता रहा उनके सुखों के लिए, वो आज रोता है जब उसकी बेटी विदा होती है, वो रोता है। उसके पास कोई शब्द नहीं होते, उसके पास कोई बातें नहीं होती, उसके पास कोई भाव नहीं होते, क्योंकि उसकी बेटी विदा हो रही है, उसका कलेजे का टुकड़ा विदा हो रहा है। घर में बेटा भी है और बेटी भी है, लेकिन इन दोनों के जीवन का पूरा दर्शन डिफरेंट है। बेटी जिसको कभी किसी ने ज्ञान नहीं सिखाया कि केयरिंग क्या होती है, घर में जब पिता प्रवेश करता है, काम से लौटता है, या बैठा हुआ है, या ऊपर से नीचे, छत पे से आया, नीचे से ऊपर आया, तो दोनों बच्चे, बेटा और बेटी दोनों अगर खेल रहे हों तो आप देखना, बेटी पूछे कि पापा पानी लाऊं, पापा ऑफिस से बिजनेस से आएंगे, पापा चाय बनाऊं, नाश्ता दूं, किसने सिखाया उसको ये? कौन से विद्यालय में सिखाया जाता है कि आपको ही ये करना है? नहीं, किसी ने नहीं सिखाया है, तो उसके अंतःकरण में परमात्मा ने स्वतः प्रेम भर दिया है, किसी ने नहीं सिखाया। इसलिए
दुनिया में एक रिश्ता पिता और बेटी का ऐसा है जो कई बार मूक रहता है, बोलता कुछ नहीं है, लेकिन इसके संबंध कितने गहरे हैं कोई नहीं जानता। एक बेटी के लिए उसका पिता क्या है ये कभी कह नहीं पाती है, मगर वो जानती है कि क्या है। स्वाभिमान है उसका पिता, उसका पिता उसका स्वाभिमान है, उसका पिता उसका आदर्श है, उसका पिता उसका रियल हीरो है। ये सिर्फ बेटी जानती है, वो व्याख्या नहीं करती इस बात की, लेकिन वो जानती है। आज जब पार्वती जी गोद में बैठी है तो वो भी रो रही है, वो भी हिचकियां ले रही हैं कि उसको मालूम है कि अब मुझे ब्याह दिया जाएगा, अब मैं चली जाऊंगी दूसरे घर, अब ये घर मेरे लिए पराया हो जाएगा, अब मेरा घर कोई और हो जाएगा, जिस घर में मैं खेली बड़ी हुई, मैं नाची, मैं कूदी, मैं चीखी, मैं चिल्लाई, मैं लड़ी, मैंने अपनी डिमांड्स पूरी की, मेरे पिता ने, मेरी मां ने, हर चीज मेरी मानी, आज वो घर छूट जाएगा। जहां मैं बेटी बनकर अल्लड़ बन के रही, अब वो घर घर नहीं रहेगा मेरा, अब मुझे कई जिम्मेदारी से अपने जीवन को बिताना होगा। शायद वो इसी विचार को निरंतर कर रही है, निरंतर। जब वो मंडप में बैठती होगी तो शायद हर बेटी मेरे ख्याल से इसी विचार में चलती होगी कि नाउ एवरीथिंग हैज चेंज, अब सब बदल गया, अब चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक वो बेटी थी, विवाह के बाद वो स्त्री बन जाएगी। एक ही रात में एक बेटी से वो स्त्री बनने जा रही है, उसका जीवन पूरा बदल जाने वाला है। उसने अपने बचपन की वो यादें, वो छोटे छोटे खिलौने, वो छोटी गुड़ियाएं, वो बार्बी डॉल, वो जो सजो कर सहेज कर रखी थी, आज शायद उनसे भी उसकी विदाई है, क्योंकि वो उसके साथ अब नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो विवाहित तो हो गई, अब वो ना रही जो वो थी, अब वो ना रही। पिता की जेब में जब पिता की मां और पिता की पत्नी की भी दहाड़ डालने की हिम्मत ना हो, तब बेटी कहती है पापा ये मेरा है, और पिता मुस्कुरा जाता है, बेटा तो हाथ लगा के देख ले जरा जेब में, ना कान के नीचे पड़े तो बताना। लेकिन बेटी को कभी पापा मना नहीं करता, मुस्कुराता है, हंसता और है, और कहता है और बता तेरे लिए क्या ले आऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दिन वो पैदा हुई थी उस दिन से उस पिता के अंतःकरण में था कि एक दिन ये मेरी फूल सी बेटी उससे दूर चली जाएगी, तो इसलिए वो सारी खुशियां पूरी दुनिया की समेट के उसकी झोली में भर देना चाहता है, उसे गुलदस्ता बना देना चाहता है, उसके जीवन के सारे कांटे अपने हाथों से निकाल देना चाहता है, चाहे रक्त रंजित हो जाए हाथ, पिता की कोशिश यही रहती है। इसलिए उसे पिता कहते हैं, इसलिए उसको ढाल कहते हैं, इसलिए उसको पहाड़ कहते हैं, इसलिए उसको पर्वत कहते हैं। लेकिन वो पर्वत सा हृदय वाला पिता भी बेटी ब्याहती है तो वो भी पिघलता है, उसके उस पर्वत से भी झरने बहते हैं, नदियां निकल पड़ती हैं, आंसुओं की, आहों की, सिसकियों की, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, बस वो अपने आप को बचाता घूमता है। जब बेटी की विदा का समय आता है वो किसी कोने को ढूंढता है कि कहीं बचकर खड़ा हो जाऊं, लेकिन वो पहुंच जाती है अपने पिता के पास, सबसे मिलके आखिरी में अपने पिता की छाती से चिपक के रोती है, क्योंकि उसे मालूम है कि यही है मेरा, यही है, उसके पास उसके अलावा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उसका दर्शन देखिए आप उस बेटी का, कि जब वो बेटी पराई होती है, जब वो अपने घर जाती है,
तो उसके जीवन में ठीक है, वो एक प्रोसेस है, लेकिन वही बेटी शायद माता पिता हर जीव को एक दिन शरीर छोड़ना है, हर कोई छोड़ेगा, लेकिन उस बेटी की जिस दिन मां खत्म होती है ना, तो सिर्फ मां खत्म होती है। जब उस बेटी की मां खत्म होती है तो सिर्फ मां खत्म होती है, मायका जिंदा रहता है क्योंकि पिता है। लेकिन अगर पहले पिता खत्म हो गया तो पिता भी खत्म होता है और मायका भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वो मायका नहीं रहा, अब वो भैया और भाभी का घर रह जाता है। लेकिन अगर पिता आखिर तक है तो उसको मालूम है कि मेरा मायका जिंदा है, और वो इस बात का गुमान अपने जीवन में लेके चलती है, मेरा पिता है, मेरा मायका है। उसको एक आस रहती है अपनी जिंदगी के साथ, और उस आस पे वो अपने पूरे जीवन को जी लेती है, पूरी पूरी जिंदगी जी लेती है। वो किसी से शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसके लिए उसके पिता का स्वाभिमान, वो सब सुन सकती है, सब सहन कर सकती है, लेकिन अपने पिता के लिए कुछ नहीं सुन सकती। वो सारी बातें सुन लेगी, लेकिन बस वो एक बात हमेशा, जब भी कुछ क्रूअल लोग, कुछ दरिंदे लोग जब बेटियों को सताते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो उन्हें मालूम है इसकी नब्ज क्या है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी नब्ज क्या है, इसको कहां दर्द होगा। तब वो एक शब्द यूज करते हैं, तेरा पिता, तेरा बाप और कुछ तो भी, मालूम है यहां इसके जख पर मिर्ची गिरेगी, क्योंकि बस कुछ भी सहन कर लेगी, अपने पिता के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, क्योंकि वो उसकी जिंदगी है, उसका 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 जीवन है, कभी नहीं चाहती, कभी भी।